के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। धुरियापार में 50 एकड़ जमीन पर लगेगा 1200 करोड़ रुपए की लागत से बायोफ्यूल प्लांट। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा दिसंबर माह में होगा शिलान्यास। गोरक्षपिता देश्वर व प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई मकर संक्रांति की तैयारी बैठक। दिसंबर तक सभी तैयारियों को पूरा करने के दिए निर्देश। कहा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में ना होने पाई कोई कमी। 384 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन चीनी मिल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कहा फरवरी से शुरू हो जाएगा मिल से चीनी उत्पादन, हजारों किसान होंगे लाभान्वित। पिपराइज में ओवरब्रिज निर्माण के लिए मांगी कार्य योजना। कमल संदेश मोटरसाइकिल रैली को पार्टी का झंडा दिखाकर मुख्य अतिथि पंकज सिंह ने किया रवाना। मोटरसाइकिल चलाकर रैली में हुए शामिल कार्यकर्ताओं का बढ़ा हौसला। भारत भीम स्वर्गीय जनार्दन सिंह स्मृति सीनियर स्टेट पुरुष महिला कुश्ती चैंपियनशिप एवं उत्तर प्रदेश केसरी प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडल पहनाकर किया सम्मानित। गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहे त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी के दूसरे दिन वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मधुमेह जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कला के रंग कुंभ के संग विशेष चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों ने किया अपने अपने हुनर का प्रदर्शन। और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया अपनी प्रतिभा।